बैंड बाजा बारात यूपी के मुसलमानों के लिए AIMIM के अध्यक्ष ने ये परिभाषा गठित की है। दरअसल हैदराबाद के ओवैसी जब यूपी में ताल ठोकने आए तो मुसलमानों की पॉलिटिकल थ्योरी को बैंड बाजा बारात का नाम दे दिया। ओवैसी के मुताबिक यूपी के मुसलमान बैंड बाजा बारात जैसे क्यों हैं, खुद ओवैसी की जुबानी सुन लीजिए और समझ लीजिए। हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ओवैसी ने क्यों कहा, मकसद शीशे की तरह साफ है। ओवैसी की नजर यूपी के मुसलमान वोट बैंक पर है, और हो भी क्यों ना, आखिरकार यूपी में वोट के हिसाब से मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा मायने रखती है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। कई सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक ही जीत या हार का फैसला करता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां 25 से 30 सीटों पर मुस्लिम वोटर भी अच्छी खासी संख्या में हैं। इन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 25,000 से लेकर 60,000 तक है। ओवैसी का मुस्लिम कार्ड। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर जाट वोटर अहम भूमिका में, 25 से 30 सीटों पर मुस्लिम वोटर की अच्छी संख्या, इन सीटों पर 25 से 60,000 मुस्लिम वोटर। अगर पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो समझ में आता है कि मुसलमान बाहुल जिन सीटों पर मुस्लिम वोट मजबूत था वहां भी बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी। अगर ये वोट बैंक किसी और दल के साथ जाता या फिर ओवैसी के हाथ आता तो चुनावी खेल बहुत दिलचस्प हो जाएगा। टक्कर कांटे की भी हो सकती है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ओवैसी का ये बैंड बाजा बारात यूपी के मुसलमानों को कितना समझ में आता है। बिहार में ओवैसी ने तकरीबन ऐसा ही फॉर्मूला आजमाया था, सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर जोरदार कैंपेन किया, कामयाबी भी मिली। ओवैसी का यूपी प्लान भी कुछ ऐसा ही लगता है, वो खुद को मुसलमान समुदाय के हिमायती नेता की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सवाल भी जस का तस खड़ा है, बिहार में जो हुआ वो ओवैसी बंगाल में रिपीट क्या कर पाएंगे? क्या यूपी के चुनावी महाभारत में नए पैकिंग में पुराना फॉर्मूला चल पाएगा? बहरहाल ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ओवैसी के इस बयान से यूपी के कुछ मुसलमान समुदाय नाराज ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं वो चुनाव में ओवैसी की पार्टी की बैंड ही ना बजा दे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।